अभी मौसम तो रहा निराली गांव का, क्योंकि थोड़ी सी हारमोनियम की आवाज कम करिए भाई साहब, साउंड मैन थोड़ी सी हारमोनियम। और भाई वो एक भाई ने तो ऐसा काम कर दिया था, वो ले गया ये कदा वो मन न्यू लागा है, एक दो प्रोग्राम में और फंस गया नरेंद्र का, वो फरसा भी उल्टा दे सम्मान हमने दी के ढंग। अरे वो अशोक पहले कहता बोले ले तो आयो सीधा था हमने बता के आड़े गदा टंग रही थी भाई। और रागनी ई डाल गावे पब्लिक का शब्द समझ में आवे और सुर ताल के अंदर रहते हुए, अरे चा 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 बोले तो बता के मिल गया भाई ना मनस गए खामगा प्रोग्राम खराब हुए सारा रात हो गई थी, बढ़िया प्रोग्राम चलते हुए खामगा के क्या तो छेड़ा है तो अगले ना फिर उगा गल्ला लटके और क्या छेड़ा ही नहीं अगले ना लिया। इंसान जब गर्भ के अंदर होता है कोल करार करता परमपिता परमेश्वर से वादा करता भगवान इस नरक से बाहर करता भजन करूंगा तेरी बंदगी करूंगा हर बार आवे है डीजे वो सपना नाच दी देखे सब कहने पहुंचे हेलो के क्या क्या आ रहा हूं बोल गया। दादा लक्ष्मी चंद्र ने भी कही है पिछले जन्म में जान बूझ कोई कार्य करी खोटी थी याद करना बात गर्भ मतन के उठी थी। आदमी इस गृहस्थी के लालच में फंस के मुंह में फंस के सिर्फ तीन चीज याद रहती इंसान को, एक भजन पंडित जी का सुनियो भाई क्या जकड़ी तीन चीज याद रहेगी नून ते लकड़ी। भाई साहब सुन लो ना के बात होगी पहले नंबर पर बताया है इंसान की जो तीन अवस्थाएं होती है सबसे पहले बचपन फिर जवानी और फिर बुढ़ापा। आदमी सारी उम्र परमपिता को याद नहीं करता। जब कवि ने कहा तुम्हें याद तो करे उस मालिक को लेकिन कब करया ये वजन दादा लक्ष्मी चंद का भी सुने होगा और छोटे दादा पंडित मांगीराम का उनकी क्या कल्पना थी क्या होता है पहले नंबर में उमर ने
बांकुड़ा से 100 रुपए और बड़े भाई मेरे सीनियर कलाकार जिनको उपाधि मिली हुई है रंग काट के बादशाह, सको कितना है जोर ला लो चय कि मैं कर लो पर हमने यो मानस आज नहीं काबू हंदा नहीं देखा यो एक बात में काबू आज का वो प्यार प्रेम तो जय नार तार लो। हाँ हमारे लिए आदरणीय वैद्यनाथ शर्मा जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। भाई नरेंद्र दादरी तो है बहुत अच्छे कलाकार हमारे सीनियर, 100 रुपए से अपने छोटे भाई का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। तीसरे नंबर पर क्या बताया पंडित जी ने, क्या अवस्था में तूने ये काम करे और जब बुढ़ापा आया तो तू रोन ला गया, तूने छल का दिखावा करने के लिए मारा उठा। इंसान कहता है कि हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, मैं ये काम करना तो चाहूं था लेकिन मेरी के न्यू बढ़ गई, कौन सी काम करना चाहूं था और मेरी के बढ़ गई, क्या बताया आखिरी नंबर वकील जी। जोरदार ताली बजा दो जितने सज्जन बच रहे हैं दानी सज्जन के नाम की, जोरदार ताली। वैद्यनाथ शर्मा जी हजारों रुपए कलाकारों को पहले दिए हैं, 5100 रुपए से हमारी छोटी सी पार्टी का छोटे बच्चों का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। बाबा सोमनाथ से अरदास है इनके कारोबार में इसी तरह तरक्की हो, बरकत हो, बार बार धन्यवाद। हे महाराज, मैं ये काम करना चाहूं था लेकिन मेरी गलियू बन गई, के करना चाहूं था सुनियो भाई आखिरी खबर। दादा एक कली रह रही है सुन लो फिर कर लियो हिसाब किताब। कौन भाई भाई राधे कृष्ण सीताराम, राधे कृष्ण सीताराम, बोलना भी चाहूं था हृदय की केवाड़ी मुंदही खोलना भी चाहूं था, महाविष्णु शिव जी आके तोलना भी चाहूं, पाप और पुण्य नर जे मैं धर के तोड़ना भी चाहूं, पाप और पुण्य नर जे मैं धर के तोड़ना।
और पुनर्जे में धरकर तोलना भी चाहूं था, लेकिन मेरी गेंद यूं बन गई